नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग वैलीज। अब काउंटिंग वैलीज के अंदर क्या है कि यहाँ पे माउंटेन्स है, ये आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो यहाँ पे हमें इनपुट क्या मिलेगा, एक मिलेगा नंबर ऑफ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग के अंदर एक मिलेगा अप एंड डाउन, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है कि एक यहाँ पे हमें वैली काउंट करना है कि इसके अंदर कितनी वैली है, यानी कि यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है सिया राइट, एक समुद्र, एक पहाड़, दूसरा है, तीसरा है वैली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि वैली कितनी है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वैली हम निकालेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पे ये पहाड़ अगर ऊपर जाता है तो पहाड़, ये सेम लेवल पे। अब इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर वैली कितनी है, तो वैली यहाँ पे कितनी होगी, दो, एक ये एंड दूसरी ये वाली, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा रिटर्न होगा, रिजल्ट होगा, वो टू होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र के नीचे जो समुद्र का जो लेवल है वो ये वाला है, ठीक है। तो यहां से इससे नीचे पानी हमेशा इसके अंदर ऐसे ही भरा रहेगा, राइट। तो ये एक वैली हो गई। दूसरा ये वाली, अभी ये पीक पॉइंट पे है बट ये पूरा लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो ये काउंट होगी पूरी की एक वैली, राइट, एंड ये दूसरी वैली। सो इस तरीके से यहाँ पे ये हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जहां पे अगर ये अप जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा वो यू, एंड डाउन जा रहा है तो टी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फिर से डाउन, फिर ये अप, फिर ये डाउन, फिर ये अप, देन अगेन अप, देन अगेन डाउन, फिर ये डाउन एंड डाउन। सो इस तरीके से ये यू एंड डी से हमें आइडेंटिफाई करना है कि वैली कहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे वैली कब बनेगी, जब एक बार जब ये अप एंड डाउन में अगर लेवल जीरो पे, हम लेवल जीरो मान लेंगे कि समुद्र का जो लेवल है वो जीरो पे है, राइट। सो जब अप जाएगा तो हम प्लस वन कर देंगे, एंड डाउन जाएगा तो हम माइनस वन कर देंगे। और जब हमारा लेवल जीरो पे आ जाएगा एंड फिर वापस सब जीरो, जीरो से अगर नेगेटिव जाता है तो हम समझेंगे कि ये वैली हो गई है। फिर वापस ये जीरो जब आ जाएगा हमारा लेवल पे, तो मानेंगे कि यहाँ पे ये जो वैली है वो खत्म हो गई है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें पता लगाना है कि कब वैली आती है और कब वैली नहीं आती है और कितनी वैली आती है, राइट। ये हमें कोड में पता लगाना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एक काउंटिंग वैली है, इसके अंदर हमें रिटर्न टाइप कराना है वैली का, जितने वैली होंगे उनका हमें रिटर्न कराना है। एंड यहाँ पे स्टेप्स दे रखे कि कितने स्टेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 स्टेप है, एंड स्ट्रिंग पाथ है उसका यहाँ पे ये पाथ हमें दे रखा, ठीक है। इन पाथ से हमें पता लगाना है कि कितनी वैली है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक इंट ले लेता हूँ, वैली काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ लेवल का, ठीक है। इनिशियल यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जीरो लेवल रखेंगे, राइट। एंड फिर हम लेवल बढ़ाते जाएंगे बेस्ट नोन कि हमें स्ट्रिंग इस पाथ के अंदर हमें क्या मिलता है। एंड ये जो हम इस स्ट्रिंग का हम एक एक कैरेक्टर हम पकड़ेंगे और उसके ऊपर हम लूप लगा देंगे, तो ये लूप हमारा चलेगा जितने स्टेप होंगे। तो यहाँ पे अगर 8 स्टेप्स हैं तो उतने ही इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 अगर स्टेप्स हैं तो यहाँ पे 8 ही कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग के अंदर, 4 और 4 8। सो यहाँ पे मैं int i इक्वल टू 0, ये i हमारा चलेगा स्टेप्स तक, इस आई को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे।
ठीक है। एंड इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इफ इफ फॉर आई इक्वल टू, यहाँ पे हम डबल क्वार्ट लगेंगे या फिर सिंगल क्वार्ट, यहाँ पे हम सिंगल क्वार्ट लगेंगे। क्यों? क्योंकि डबल क्वार्ट जो होता है वो होता है स्ट्रिंग के लिए, सिंगल क्वार्ट कैर के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर पाथ अगर डाउन जा रहा है तब हम क्या करेंगे, हम लेवल को लेवल डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिक्रीमेंट कर दिया। एंड जब और यहां पे हम क्या करेंगे, एल्स में हम क्या करेंगे कि अगर इक्वल टू डी है तब हम लेवल को बढ़ा देंगे, राइट। अब हम वैली कब काउंट करेंगे, वैली को हम तब काउंट करेंगे जब लेट से यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा अप आया तो ये प्लस हो गया, लेवल हमारा प्लस हो गया, फिर ये डाउन गया तो ये माइनस हो गया, तो अभी ये जीरो हो गया, फिर ये डाउन गया तो टू टाइम्स आई, यहाँ पे डाउन गया होगा तो डी डी, तो यहाँ पे माइनस टू हो गया, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, तो यहाँ पे जैसे ही जीरो आया तब हम क्या करेंगे, वैल्यू को काउंट करेंगे। जीरो आया तब हम वैल्यू को काउंट करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमने ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हमने लेवल को कर लिया, और अब हम वैल्यू की काउंट कब बढ़ाएंगे, वैल्यू की काउंट हम बढ़ाएंगे कि इफ लेवल इक्वल टू जीरो एंड पाथ आई माइनस सॉरी पाथ आई इक्वल टू डी, यानी कि डाउन जाएगा तब हम क्या करेंगे, वैली काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। लेट से कि यहाँ पे हमने देखा अगर ये डाउन जाएगा, लेवल अगर जीरो है एंड डाउन जा रहा है, ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे ये वैली आ गई, फिर ये अपना काम करेगा, लेवल चलता रहेगा, ठीक है। एंड जैसे ये लेवल वापस से जीरो आएगा और फिर ये चेक करेगा कि डाउन जा रहा है, तो हम फिर से ये क्या करेंगे, वैली को काउंट कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैली को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, राइट। अब देखते हैं इसको रन करके एक बार, सो यहाँ पे दो टेस्ट केस थे वो पास हो गए, एक बार सबमिट करके देखते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केस पास यहाँ पे हो जाना चाहिए। 21 टेस्ट केस है, सो होपफुली ये पास हो जाना चाहिए। परफेक्ट, जितने भी टेस्ट केस थे सारे के सारे पास हो गए हैं, परफेक्ट। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है।